दोस्तों इस कमाल के वीडियो में आपसे इंटरेस्टिंग जीके के कुछ मजेदार सवाल पूछे जाएंगे, साथ में जवाब भी बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी पर है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पर है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी पर है हीलियम। दोस्तों आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता हो तो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान ऐसा यान को कहते हैं जो धरती के वातावरण या किसी अन्य वातावरण में उड़ सकता है, किंतु रॉकेट वायुयान नहीं है क्योंकि उड़ने के लिए इसके चारों तरफ हवा का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनिक जहाज को बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए पर है 30 से 35 महीने, ऑप्शन बी पर है 30 से 50 महीने, ऑप्शन सी पर है 25 से 27 महीने, ऑप्शन डी पर है 30 से 40 महीने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 से 27 महीने। जहाँ दोस्तों टाइटेनिक को बनने में कुल 25 से 27 महीने लगे थे। आरएमएस टाइटेनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथ मम्पटन यानी इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। चार दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नया कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए पर है गृह मंत्री, ऑप्शन बी पर है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। जहां दोस्तों भारत में नया कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? ऑप्शन ए पर है चीन, ऑप्शन बी पर है पाकिस्तान, ऑप्शन सी पर है भारत, ऑप्शन डी पर है जापान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा भूकंप आने की बात करें तो जापान देश है, इसके बाद न्यूजीलैंड का नंबर आता है। न्यूजीलैंड में हर साल कई छोटे बड़े भूकंप आते हैं क्योंकि ये भी जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमने के लिए सबसे ज़्यादा किस शहर को पसंद किया जाता है? ऑप्शन ए पर है पेरिस, ऑप्शन बी पर है वेनिस, ऑप्शन सी पर है दुबई, ऑप्शन डी पर है रोम। दोस्तों आपको कौन सा शहर में घूमना ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन ए पेरिस। जी हाँ दोस्तों, घूमने के लिए सबसे ज़्यादा पेरिस शहर को पसंद किया जाता है। दोस्तों पेरिस शहर फ्रांस देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडा देती है? ऑप्शन ए पर है कबूतर, ऑप्शन बी पर है कौआ, ऑप्शन सी पर है कोयल, ऑप्शन डी पर है टिटोनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयल। जी हाँ दोस्तों, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो दूसरे पक्षी के घोंसले के अंडे को हटाकर अपना अंडा देती है, खास करके कौए के अंडे को हटाकर अपने अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल लगभग कितने लोग तंबाकू से संबंधित रोगों के कारण मरते हैं? ऑप्शन ए पर है लगभग 9 लाख, ऑप्शन बी पर है लगभग 10 लाख, ऑप्शन सी पर है लगभग 8 लाख, ऑप्शन डी पर है लगभग 20 लाख। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 8 लाख। जी हाँ दोस्तों, भारत में हर साल लगभग 8 लाख लोग तंबाकू से संबंधित रोगों के कारण मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 24 घंटे में लगभग कितनी बार सांस लेता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पर है 17 से 30 हज़ार बार, ऑप्शन बी पर है 18 से 35 हज़ार बार, ऑप्शन सी पर है 20 से 30 हज़ार बार, ऑप्शन डी पर है 25 से 30 हज़ार बार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 से 30 हज़ार बार। यह दोस्तों एक अध्ययन से पता चला है कि एक इंसान 24 घंटे में लगभग 17 से 30 हज़ार बार सांस लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिर्फ 4 जिले हैं? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिर्फ 4 जिले हैं? ऑप्शन ए पर है गोवा, ऑप्शन बी पर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पर है सिक्किम, ऑप्शन डी पर है मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। जहाँ दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में सिर्फ 4 जिले ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा दिन है जो 4 साल में एक बार आता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पर है 29 फरवरी, ऑप्शन बी पर है 28 जनवरी, ऑप्शन सी पर है 29 जनवरी, ऑप्शन डी पर है 30 मार्च। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, 29 फरवरी एक ऐसा दिन है जो 4 साल में एक बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए पर है भारत, ऑप्शन बी पर है चीन, ऑप्शन सी पर है जापान, ऑप्शन डी पर है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। जी हाँ दोस्तों, ताश का आविष्कार चीन देश में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में कुल कितने धर्म हैं? ऑप्शन ए पर है लगभग 4200, ऑप्शन बी पर है लगभग 5000, ऑप्शन सी पर है लगभग 2600, ऑप्शन डी पर है लगभग 1200। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 4200। जहां दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 4200 से भी ज़्यादा धर्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करना जुर्म है? ऑप्शन ए पर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पर है गोवा, ऑप्शन सी पर है केरल, ऑप्शन डी पर है नागालैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य। जहां दोस्तों भारत में केवल केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां 2 बच्चों से ज्यादा पैदा होने पर 10,000 तक का जुर्माना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने के बाद शरीर के किस अंग में बदलाव होता है? ऑप्शन ए पर है आंख की पुतलियां, ऑप्शन बी पर है नाखून, ऑप्शन सी पर है सर के बाल, ऑप्शन डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंख की पुतलियां। जी हाँ दोस्तों, मरने के बाद हमारी आंख की पुतलियां पथरा जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? ऑप्शन ए पर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पर है बिहार, ऑप्शन डी पर है तमिलनाडु। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दोस्तों भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।